उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज दतिया पहुंचे। यहां उन्होंने पीताम्बरा पीठ पहुंचकर मां बगलामुखी के दर्शन किए। केशव प्रसाद मौर्य ने यहां पूजा अर्चना कर पार्टी के लिए जीत की प्रार्थना करी। दतिया पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा पूरी 29 की 29 सीटें जीत रही है, जबकि यूपी में 80 की 80 सीटों पर विजयश्री मिलेगी। दतिया से मौर्य सड़क मार्ग से उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए रवाना हो गए। वहां वे झांसी से भाजपा प्रत्याशी अनुराग शर्मा के नामांकन कार्यक्रम में शामिल होंगे। कांग्रेस से, कांग्रेस के ही अंदर जो काम किए उनको भी कांग्रेस से घृणा हो गई है, क्योंकि कांग्रेस कभी भी देश के हित में, देश के बहुसंख्यक जिसमें ओबीसी एससी एसटी है उसके हित में काम नहीं करती, गरीबों के, किसानों, महिलाओं, नौजवानों के हित में काम नहीं करती, वो दुष्प्रचार करती है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली देती है और रोज़ उनके लिए अपमान भरे शब्दों का प्रयोग करती है। और जनता ने ठाना है मोदी जी को तीसरी बार पीएम बनाना, देश को विश्व में नंबर एक बनाने के लक्ष्य को पूरा करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हो सकता है, यह लोगों का भरोसा है, यही भरोसा हमारी जीत का आधार है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।